हमारे यहाँ ना बड़े जिक्र होते हैं सुबह से शाम तक। अब ये देखना है कि सियासी बात ज्यादा होती है या मुस्तफा की बात ज्यादा होती है। अब हमने थोड़ी तफसील करनी है कि हम रोजी रोटी की बात ज्यादा करते हैं या अपने नबी की बात ज्यादा करते हैं, इसलिए कि उम्मत का हक है कि कसरत से नबी पाक का जिक्र करें। और उसी जिक्र का एक पहलू बड़ा वो ये है कि अपने महबूब पर खुल के दुरूद सलाम पढ़े, खुल के दुरूद सलाम पढ़े, सुबह शाम उसकी जुबान पर दुरूद का नगमा जारी रहे। और हुजूर का ये हक है उम्मत पर कि उम्मत अपने नबी की फरमा बरदारी करे, उम्मत अपने रसूल की फरमा बरदारी करे, इत्तेबा करे, अतात करे, हुजूर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम चले। और फिर पांचवें नंबर पर उम्मत की जिम्मेदारी है कि उम्मत नबी पाक के दीन की तबलीग करे। दीन की मिसवाक करना सुन्नत है ना जी, पत्थर खाना भी सुन्नत है, पत्थर खाना भी ये भी सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की महफिल मिलाद में जिक्र मुस्तफा करना भी सुन्नत है। अच्छा फिर मजे की बात देखें, इश्तिहार लगाना जो है ना, इश्तिहार ये तो बिदत असना है, और दरवाजा खटखटा के किसी को महफिल की दावत देना ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ऐन सुन्नत से साबित है। तो जिसका ज्यादा अजर था ना उस तरफ तवज्जो ही नहीं, दरवाजा खटखटा के भाई आज महफिल है, ये वो सुन्नत है जो मेरे महबूब ने ताइफ जाके अदा की थी। लोग कहते हैं बड़ा खर्चा किया, भाई क्या खर्चा किया है, कहते मैं 26,000 के इश्तिहार छापे। भाई सबसे ज्यादा जरूरी काम, बहुत सारे ऐसे बदमजहब हैं, उनके बड़े बड़े ऐसे मुबल्लिग हैं जिनका आपने कभी इश्तिहार नहीं देखा होगा, मजमा हजारों में, इसलिए कि वो उनका हर बंदा इश्तिहार बन जाता है, हर बंदा। तो याद रखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक है कि उम्मत महबूब का जिक्र करे, तज़किरा करे, दीन की तबलीग करे। और हुजूर के दुश्मनों के साथ बुग्ज रखना ये भी नबी पाक का हक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा हुजूर की बेअदबी करे, तोहीन करे, महबूब के नवासों को बागी कहे, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को बुरा कहे और हमारा यार बन जाए। ये हुजूर का हक है कि हम नबी पाक के दुश्मनों के साथ अपने दिल के अंदर कड़ी रखें, उनसे बचें। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाइयों? ये हुकूक है जो हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के हक अदा करने, और जिससे महबूब को मोहब्बत है उससे मोहब्बत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हजरत मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ना घर में खत्म शरीफ पढ़ता था, इसाले सवाब करता था, तो मैं बहुत सारे सहाबा का नाम लेता, अहले बैत का नाम लेता, इसाले सवाब करता, सिर्फ सैयद आयशा का नाम नहीं लेता था। कहते मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले और सरकार ने फरमाया, शेख अहमद तुझे पता है ना मैं अक्सर खाना आयशा के दस्तरखान पे खाता हूँ, तो उसका जिक्र ही नहीं करता। तो हर उस शख्स से जिससे महबूब ने मोहब्बत की, हर उस शख्स से मोहब्बत करना ये नबी पाक के हुकूक में शामिल है। सबसे पहली बात यह कि उम्मत महबूब पे ईमान लाए। किस तरह ईमान लाए? कि जो हुजूर कह दे उम्मत समझ जाए कि इसी में मेरी बेहतरी है, उम्मत मान जाए आंखें बंद करके। गैर मशरूत इतात है ही सिर्फ नबी पाक की, उसमें कोई शर्त ना लगाए, माने और दिल से माने। ये ना कहे कि ये कैसे हो सकता है, मौली साहब आप कह तो सही रहे पर दुनिया बड़ी दूर चली गई है, वो दुनियादारी भी करनी पड़ती है, उसमें गुंजाइश तलाश ना करे। जो हुजूर कह दे उस पर ईमान ले आए, जो नबी पाक फरमा दे उस पर ईमान ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ ला रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ थे। अबू जाल ने ऐलान किया कि जो महबूब अलैहिस्सलाम को माजल्ला गिरफ्तार करेगा 100 सुरखूंट मिलेंगे। और भी बहुत सारे लोग आए, सुराका बिन मालिक भी घोड़ा लेके आए, हुजूर तक पहुंच गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इख्तियार जमीनों पे भी चलता है, आसमानों पे भी चलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने लगे तो हुजूर ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने सुराका बिन मालिक के घोड़े की टांगे पकड़ ली, घोड़ा अंदर धंसने लगा। तो सुराका कहते मेरे अंदर से आवाज आई, ये अल्लाह के सच्चे नबी है, लेकिन अभी मैं पूरा माना नहीं। कहते मैंने अर्ज की कि हुजूर मुझे माफ कर दे, तो माफ करना तो मेरे महबूब का तरीका है ना। कहते माफी मांगी तो महबूब ने उसी वक्त फरमाया जा तुझे माफ किया। सुराका कहते मैंने फिर जुर्रत की, फिर बढ़ने लगा, फिर जमीन ने मेरे घोड़े को पकड़ लिया, टांगे अंदर धंसने लगी। अलबदाया बनने आया उठा करके देखिए, महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफा जब जमीन में उसका घोड़ा धंसने लगा तो फिर अर्ज करने लगे हुजूर माफ कर दे, फरमाया जा तुझे माफ किया।
सुराखा कहते हैं आवाज अंदर से आई पर अभी मैं पूरा माना। आवाज तुम्हारे अंदर से भी रोज आती है कि बदल जाना चाहिए, हमें दीन की तरफ आ जाना चाहिए, पर हम भी तजर्बे करते रहते हैं इल्ला माशाल्लाह। कहते हैं तीन दफा ऐसा हुआ, तीन दफा नबी पाक ने माफ किया, फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब तीसरी दफा माफ किया तो महबूब मुस्कुराने लगे। एक किसरा का बादशाह था, तवज्जो है मेरी बात पर, किसरा का एक बादशाह था तो हाथों में कंगन पहनता था, मोटे मोटे सोने के कंगन। वो जब बात करता ना तो कंगन हिलते, जिस तरह हमारे हुक्मरानों के बड़े लल्ले तलल्ले नहीं। आपका एक ऐसा वजीर आजम गुजरा है जो दिल्ली से कपड़े खरीदता था और ऑस्ट्रेलिया से सिलवाया करता था, ये गरीब कौम के हुक्मरान है। चले खैर, उनकी मैं क्या बात करूं, अब तो पीरों की गाड़ी भी 1.5 करोड़ की आती है, उनकी मैं क्या बात करूं, अब तो लोगों को फकर का दर्स है, दुनिया को कहते हैं फकीर होते जाओ खुद अमीर होते जाते, अब तो यहां भी हाल बड़ा इल्ला माशाल्लाह अजीब है, उस तरफ क्या जाऊं, यहां भी रोना बड़ा सख्त है। गरीब सादा तो रो रो के हो गया ताइब, काश इस पीरे मुगा को भी मिल जाती तौबा की तौफीक। और इकबाल ने कहा यह नजराना नहीं, ये सूद है पीराने हरम का जो लगाया हुआ है टैक्स। आए हो तो क्या लेके आए हो, आम दाम बरसरे मतलब। वो किसरा का बादशाह जो था वो कंगन पहनता था, जब बात करता था तो बजते थे, तो मशहूर बड़े थे कि उसके कंगन है भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब सुराका आगे बढ़े ना गिरफ्तार करने, तो महबूब ने फरमाया तू मुझे पकड़ने आया है, एक वक्त आएगा किसरा का इलाका फतह होगा, उसके वो कंगन मेरे गुलाम उतार के लाएंगे, और सुराका मैं यहां खड़े होके सालों बाद का वो वाकया देख रहा हूं कि उसके कंगन तेरे हाथों में आएंगे। अब जरा जरा रुक के सोचिए, मक्के से निकले हैं, मदीने अभी पहुंचे नहीं, एक गांव पे भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं, मेरे महबूब ने इतनी बड़ी बात कर दी किसरा का इलाका फतह होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराने लगे। आमर बिन फहीरा फरमाते हैं मेरा सीना चौड़ा हो गया, भाई तुम्हें क्या हुआ, कहने लगे महबूब ने कह दिया है तो इंशाल्लाह इलाका फतह हो के रहेगा, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, हुजूर ने फरमा दिया लिहाजा होगा, यकीन कामल की दौलत। सुराका मुसलमान हो गए, जमाना गुजर गया, महबूब अलैहिस्सलाम ने विसाले जाहिरी फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, फिर हजरत उमर का जमाना आया। एक मौके पे जंग हो रही थी, साहिब तबकात ने लिखा है जंग हो रही है तो काफिर किला बंद हो गए, बड़े बड़े किले होते थे आपने देखे होंगे पुराने किले, छोटी ईंट के बने होते थे, लकड़ी का दरवाजा होता था बहुत बड़ा, और दिफाई जंग जब लोग करते थे ना दिफाई महाज पे, तो 2-3 महीने का राशन लेके लोग अंदर बंद हो जाते थे। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाइयों को, अंदर बंद हो जाते थे, काफर किला बंद हो गए। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में जिहाद हो रहा था, अब काफर ना बाहर आते हैं, बाहर आए लड़ाई हो तो पता चले ना हारा कौन जीता कौन, अब वो अंदर बंद है बाहर ही नहीं निकलते, और मुसलमान अंदर जा नहीं सकते, किले की दीवारें बड़ी ऊंची हैं। एक मंजनीक होती थी गुलेल की तर्ज पे बनी, उसमें रख के ना बड़े बड़े पत्थर तो अंदर फेंके जाते थे, पता है आपको मंजनीक कैसे होती थी, वो दो बड़े बांस रख के ना ऊपर, तो उसको गुलेल की तर्ज की बनाया जाता था, रस्सी डाल के नीचे उसके पत्थर रख के दो आदमी पहले यूं दौड़े जाते थे, फिर छोड़ा जाता था तो पत्थर जाके लगता था। तो सहाबा ने मशवरा किया कि अंदर पत्थर फेंकते, फिर एक सहाबी कहने लगे यार अंदर पत्थर फेंकेंगे वो पता नहीं कहाँ है, उन्हें लगे कि ना लगे। हजरत सुराका बिन मालिक भी थे, कहने लगे पत्थर ना फेंको, मंजनीक में रख के मुझे अंदर फेंको, मैं अंदर से जाके दरवाजा खोलता हूं। और उनको पकड़ लेते हैं, उन्होंने कहा जनाब कोई समझदारी वाली बात करें, आप किधर निकल गए, पहली बात तो यह है कि जब हम आपको अंदर फेंकेंगे तो आप इस कदर तेजी से गिरेंगे कि आपकी हड्डी पसली कोई नहीं बचेगी, और अगर आप जिंदा बच भी गए तो यहूदी आपको छोड़ेंगे नहीं। जनाबे सुराका कहने लगे तुम इस तरह करो, मेरी परवाह ना करो, मुझे फेंको, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जिंदा दरवाजा खोल लूंगा तुम्हें दिखा। बाबा जी राज से पर्दा तो हटाए, फरमाया वो बाद में बताऊंगा, पहले फेंको तो सही। जबरदस्ती का फेंको डाला अंदर मंजनीक के अंदर फेंका, थोड़ी देर गुजरी तो हजरत सुराका दरवाजा खोल के बाहर आ गए, फरमाने लगे लो भाई मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कपड़े झाड़ रहा हूं कोई शय नहीं, बाहर आए जंग हुई फतह हुई। अब सहाबा उनके गिर्द बैठ गए, कहने लगे सुराका वो करामत क्या है,
वो कौन सा नुस्खा है जिससे आप जिंदा आ गए? तो जनाबे सुराकर रोने लगे, फरमाने लगे नुस्खा कोई भी नहीं, मेरा ईमान बड़ा मजबूत है, मेरा अपने नबी पे ईमान बड़ा मजबूत है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया था तेरे हाथों में किसरा के कंगन आएंगे, फरमाया अभी कंगन नहीं आए, और जब तक मेरे हाथों में कंगन नहीं आते जनाब इजराइल भी कोई नहीं आएंगे। वो तभी आएंगे जब मेरे हाथों में कंगन। इकबाल ने मुसलमान का एक मसला बयान किया, इकबाल कहते हैं मुसलमान तेरा असल मसला ये है कि गुलामी से बदतर है तेरी।